कि इंसानियत खत्म न हो, इंसानियत खत्म न हो, इस बात के लिए बीएसपी जंग लड़ रही है मसावात के लिए। न समझोगे तो मिट जाओगे। अरे अहले वतन वालों, तुम्हारी दास्तान न रह जाएगी दास्तानों में। और यही नहीं, 2 जून 1995 की घटना याद कर लेना। 2 जून 1995 को हमारी बहन, आपकी बेटी, हमारी मसीहा आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी को यही समाजवादी पार्टी के गुंडे जान से मारने की कोशिश में लगे हुए थे। हम समाज पार्टी के खाते में इस हंडिया विधानसभा की सीट आप लोगों ने देने का काम किया है। यहाँ तक कि विपरीत परिस्थितियों में भी, विपरीत हवाओं में भी आप लोगों ने हंडिया को जिता करके बहुजन समाज पार्टी के खाते में देने का काम किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे विधानसभा के जाबाज साथियों का, मतदाताओं का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सम्मानित साथियों, आज चुनाव का मौका बहुत कम समय बचा है आपके बीच में। दोबारा आम चुनाव होने जा रहा है। 2022 का चुनाव एकदम सन निकट है। इसलिए मैं दो चार बातें आपके बीच में करना चाहूंगा। सम्मानित साथियों, आचार संहिता हो सकता है इसी दिसंबर महीने में लग जाए। दिसंबर के महीने में ही चुनाव की भी घोषणा के बीच में आते हैं, तो आपसे उन्हें सवाल करना चाहिए कि हमने आपको वोट दे करके सरकार में भेजने का काम किया और 5 साल में आप लोगों ने क्या किया। यहाँ पर बड़ी तादाद में माँ बहने बैठी हुई है, हमारे साथी बैठे हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा सम्मानित साथियों कि ये सारा हिसाब किताब प्रजातंत्र में और कोई मालिक नहीं होता है। प्रजातंत्र में केवल और केवल जनता मालिक होती है, आप मालिक होते हैं, बाकी सब नौकर होते हैं। तो अपने उन नौकरों को जिनको आपने वोट दे करके विधानसभाओं में भेजने का काम किया है, जब वो आपके पास दोबारा वोट मांगने के लिए आए, तो उनसे आपको सवाल करना होगा कि आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया है। ये वोट कितनी, कितना कीमती चीज है। ये वोट इज्जत है, मान है, सम्मान है, आबरू है, अस्मत है। इस वोट को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1-1 सेंटीमीटर पल्लव करके 17 अगस्त 1932 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से जीत करके देश की सारी मानवों की नसबंदी करके आपको देने का काम किया है। 1-1 सेंटीमीटर पल्लव करके आपको वोट के अधिकार को देने का काम किया है। और बाबा साहब अम्बेडकर इस वोट को देने के बाद उन्होंने भावुक होकर के 18 मार्च 1956 को आगरा के लाल किले पर से कहा, ऐ समाज के लोगों, हमने वोट की ताकत को राजा बनने के लिए आपको दिया है। इस वोट का सही इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी बिगाड़ी गई बात बन जाएगी, लेकिन अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। इस वोट की ताकत को पहचानो, इस वोट की ताकत को पहचानो। एक वोट रानी दे सकती है, एक वोट नौकरानी दे सकती है। एक वोट की कीमत सोनिया गांधी के पास है, वही वोट की कीमत हंडिया के पर्वतिया पासी के पास है। जो वोट सोनिया गांधी दे सकती है, वही हंडिया की पर्वतिया पासी दे सकती है। लेकिन उनका समाज वोट की ताकत समझ गया, पर्वतिया पासी का समाज आज तक वोट की ताकत को नहीं समझ पाया। अपने वोट को लुगरी पर, कमरी पर, धोती पर, दारू पर, बोतल पर, पन्नी पर, पैसे पर वो बेचने का काम करते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ये वोट की ताकत तो हमने लुगरी, कमरी, धोती, दारू की बोतल पर बेचने के लिए नहीं दिया है। जो समाज अपने वोट को दारू की बोतल पर बेच देता है, वो वोट नहीं अपनी बहन और बेटी की इज्जत को बेच देता है। इसलिए सम्मानित साथियों, वोट की ताकत को पहचानो। अरे यही वो डबल तो आता है कि वो डबल दवाज आप कैसे मोदी जी का बैठाई दिया। और 8 नवंबर 2016 का दिन याद है आप लोगों को, 8 नवंबर 2016 ऐतिहासिक दिन है। ये जब कभी लिखा जाएगा इतिहास, तो काले अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि वोट की ताकत कितनी बड़ी ताकत है। आपने वोट दे करके जिनको बैठाने का काम किया, एक सेकंड नहीं लगा, कह दिया 1500 के नोट रद्दी का टुकड़ा। तो रद्दी का टुकड़ा हो गई, फिर 9 नवंबर को कोई लेने का काम 1500 के नोट नहीं किया। अरे जरा सोचो, 9 नवंबर के बाद जिसका पिता मरा होगा, जिसके भाई की शादी नहीं होगी, जिस बिटिया की शादी नहीं होगी, आप उस पैसे से बेटी की शादी नहीं कर पाए हो, आप उस पैसे से बेटी
मिला। इसलिए कहना चाहूंगा आप लोगों से कि इस वोट की ताकत को पहचानो। यही वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि अरे मेरी सरकार बना दो, हम सरकार में आते ही 100 दिन के अंदर विदेशों से पड़ा हुआ काला धन वापस लाएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? यही लोगों ने कहा था कि काला धन आएगा, और इतना काला धन है कि हर आदमी के खाते में 15 से 20 लाख रुपया अपने आप चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। कितने लोगों के पास 15 से 20 लाख पहुंचा, ये वोट की ताकत है। आपने वोट दिया तब उन लोगों ने बताने का काम किया, कहा मेरी सरकार बना दो, हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। कितनी नौकरी मिली ये आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए मेरा कहना है आप लोगों से कि आप लोग हाथ उठा करके बताने का काम करें कि सरकार ने जो वादा किया था, काला धन आया नहीं आया, 15 लाख मिला नहीं मिला, 2 करोड़ नौकरी मिली नहीं मिली, महंगाई कम हुई महंगाई कम हुई। महंगाई का आलम तो ये है कि आप देख लीजिए डीजल पेट्रोल तो महंगा हुआ हुआ, लेकिन जो गरीब खाते हैं सरसों का तेल कड़ुआ का तेल वो भी डबल सेंचुरी में चला गया, वो भी 200 के पार चला गया। सम्मानित साथियों, ये गरीब जो खाता है उसको भी छीनने का काम किया। इसलिए कहना चाहूंगा उन्होंने कहा था मेरी सरकार बना दो, पाकिस्तान एक सर काटेगा तो हम 10 सर काटेंगे, 10 सर कटा पाकिस्तान का, पाकिस्तान झुका नहीं झुका। सिलेंडर का दाम कितना था, कितना हो गया 1000 रुपए में पहुंच गया सिलेंडर का दाम, डीजल पेट्रोल का दाम, महिला पे अत्याचार बंद हुआ, महिलाओं का बलात्कार बंद हुआ नहीं हुआ, इसलिए सोचना होगा। गौ हत्या बंद हुई, गंगा साफ हुई, बीफ का व्यापार बंद हुआ, डॉलर रुपया के बराबर हुआ। उन्होंने कहा था मेरी सरकार बन जाएगी तो अमेरिका का रुपया और भारत का रुपया हम बराबर कर देंगे, लेकिन इतिहास में शायद सबसे ज्यादा मोदी की सरकार में डॉलर की कीमत हुई है और भारत का रुपया सबसे ज्यादा कमजोर हुआ है। इसलिए कहना चाहूंगा सम्मानित साथियों, कहा था कि चीन पीछे हट जाएगा, चीन पीछे नहीं हटा, और नोटबंदी करके काला धन कहां पड़ा था, काला धन कहां पड़ा था। सम्मानित साथियों, मैं आपको बता दूं, जब नोटबंदी के 5-7 दिन पहले हमने अपनी मैडम से कहा कि मैडम 2000 रुपया दे जा तो हम गाड़ी का सर्विसिंग करवाएंगे, नोटबंदी के पहले कहे 2000 रुपया दे जा तो हम गाड़ी का सर्विसिंग करवाएंगे, और तुरंत कसम खाई गई उनकी तोहार कसम, जहां खाए तो रुपया नहीं बा, कहें तोहार कसम जहां खाए तो रुपया हमारे पास नहीं ना, अरे हम कहे दे जा हम लौटा दे गए, कहे तोहरी माई का कसम जहां खाए तो रुपया नहीं ना। लेकिन जब 8 नवंबर को रुपया बंद हो गया तो 9 नवंबर तक सोची, लेकिन 10 नवंबर का इतना रुपया निकाल दिए, इतना निकाले कि पूरा देश जहर खा सकत रहा, पूरा देश जहर खा सकत रहा, तो काला धन वही था जो आपका रुपया था। इसलिए कहना चाहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए गए अधिकार को आप लोगों ने 4 बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के पक्ष में देने का काम किया था, और बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी थी, तो बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हमारा विरोधी भी ये कहता नजर आता है कि अगर कानून का राज कोई दे सकता है तो पूरे भारतवर्ष में एक आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी है, इसके अलावा कोई नहीं दे सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि बहन कुमारी मायावती जी ने 1-2 गुंडे नहीं 1,45,000 गुंडों को जेल की सलाखों में भेजने का काम किया था, 1,45,000 गुंडों को जेल की सलाखों में भेजने का काम किया था, महामाया पेंशन देने का काम किया था, 400 रुपया माई मिलत रही न, 400 रुपया मिलती थी, अब मिलत यह है, लड़का को वजीफा डबल, बिटिया 10 पास हो जाए तो 25,000 और एक साइकिल, ये मिलत आज बंद हो गया, ये बंद हो गया, और साइकिल हो या कोई भी योजना हो, बहुजन समाज पार्टी की हर योजना सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के आधार पर चलती है। ये ब्राह्मण की बेटी को मिला, और छत्री की बेटी, और कास्ट की बेटी, या लहर लहरिया कुर्मी काछी फांसी जमा धोबी दहदार बलिया बचलिया कोल किरात नकटी भुजवा तेली तमोली लोहार कोहार बहन समार, कोई भी जाति धर्म में जहाँ का होगा सबको देने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती।
सम्मानित साथियों कि 30 लाख से ज्यादा अपने शासनकाल में नौकरी देने का काम किया था। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं पासी समाज का हूँ, इसलिए दो बात उनसे भी करना चाहूंगा, हमारे समाज के लोग बैठे हूँ तो मैं पासी समाज में पैदा हुआ। बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे चुनाव नहीं लड़ाया था, बगैर चुनाव लड़ाए 2007 से 2012 तक 5 साल राज्य मंत्री बना करके रखा, समाज का पूरे उत्तर प्रदेश में सम्मान करने का काम किया। इतने नहीं, लखनऊ के बगल बंगला बाजार है, महाराजा बिजली पासी का किला बना हुआ है। शुरुआत आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अगर किसी समाज से किया तो पासी समाज के राजा महाराजा बिजली पासी से किया था, क्योंकि तो बिजली पासी का किले की जमीन अधिग्रहित होती चली जा रही थी और बहन कुमारी मायावती जी और साहब कांशी राम जा करके कई करोड़ रुपया लगा करके बाउंड्री वॉल करवाया और 40 फीट ऊंची महाराजा बिजली पासी की तलवार लिए प्रतिमा का अनावरण करने का काम किया। ये तो रहा बहुजन समाज पार्टी का लेखा जोखा, लेकिन आप भाजपा का भी लोग लेखा जोखा समझ गए। एक लाइन कहकर के अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। आज बहुजन समाज पार्टी जो है, बहुजन समाज पार्टी का जो परिभाषा है, एक लाइन में कहना चाहूंगा कि इंसानियत खत्म न हो इस बात के लिए बीएसपी जंग लड़ रही है। मसावाद के लिए न समझोगे तो मिट जाओगे। अरे अहले वतन वालों, तुम्हारी दास्तान न रह जाएगी दास्तानों में। और यही नहीं, 2 जून 1995 की घटना याद कर लेना। 2 जून 1995 को हमारी बहन, आपकी बेटी, हमारी मसीहा आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी को यही समाजवादी पार्टी के गुंडे जान से मारने की कोशिश में लगे हुए थे, जान से मारने की। अरे बहन कुमारी मायावती जी, आज उनके अलावा कोई सोचने वाला नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी ने आजीवन कुंवारी रहने का व्रत लिया है। 66 साल की उम्र हो गई है, मान में सिंदूर नहीं, पांव में बिछिया नहीं, हाथ में कंगन नहीं, चूड़ी नहीं, कुंवारी रह करके बहन कुमारी मायावती जी हम सबकी सेवा करने का काम कर रही हैं। और ऐसे सेवा बहना को समाजवादी पार्टी के गुंडे, अखिलेश यादव के गुंडे, मुलायम सिंह यादव के गुंडे बहन कुमारी मायावती को मारने की कोशिश कर रहे थे। मैं सवाल करना चाहूंगा कि अगर कोई आपकी बहन बेटी को जान से मारने का काम करेगा तो क्या तुम उसे वोट देने का काम करोगे? क्या तुम उसे वोट देने का काम करोगे? नहीं करोगे। इसलिए भाजपा के साथ साथ समाजवादी पार्टी की भी जमानत जब्त करने का काम करना। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि दो वक्त की आवाज आवाज जवानों, इज्जत से अगर जीना है तो मौत को ठानो। मैं खाने में ग्राम को पीने नहीं देती, कुछ दिलों को ये दुनिया कभी जीने नहीं देती, कभी जीने नहीं देती। और मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी अगर आपको जीना है तो आप लोगों को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करना। एक लाइन कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि अगर आपको इज्जत से जीना है, सम्मान से जीना है, स्वाभिमान से जीना है तो आपको हाथी के सामने वाली बटन दबा करके बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करना। और नौजवान साथियों, नौजवान तेरी जवानी खाक में मिल जाएगी, इन जुल्मियों के जुल्म से हस्ती तेरी मिल जाएगी।